हेलो गाइस, दिस इज क्रिएटर। आज मैं आपको रियलमी मोबाइल्स में ऐप लेआउट को कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ऐप लेआउट को चेंज करने के लिए आपको टू फिंगर्स से ऐसा करना है। ऐसे टच कर सकते हो आप टू फिंगर्स से, नहीं तो आप यहाँ पे टैप करके होल्ड करना है। ऐसा टैप करके होल्ड करने से नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, वाल पेपर्स, आइकॉन्स एंड लेआउट वाले। इस लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कॉलम्स, रोज वाले कॉलम्स को चेंज कर सकते हो। देखिए, ओनली टू कॉलम्स रहेंगे यहाँ पे, नहीं तो 3, 4 या 5। और देखिए, रोज़ भी आप चेंज कर सकते हो। रोज़ देखिए 4 रख सकते हो आप, 5 या 6 रोज़ तक आप रख सकते हो। देखिए, मैं आपको 2 पे रख के दिखाऊंगा। देखिए, ऐसा करने के बाद मैं बैक आऊँगा। देखिए, आप यहाँ देख सकते हो 2 रोज़ में बदल गए हैं ये ऐप्स, मेरे सारे ऐप्स। देख सकिए, देखिए देखिए, ओनली होम स्क्रीन पे बदलेंगे उस ऐप्स, ड्राइड मोड में नहीं बदलेंगे। देख सकते हो आप ड्राइड मोड में ऐसा नहीं चेंज कर सकते हो। देखिए, ओनली होम स्क्रीन पे आप कर सकते हो ऐसा, ड्राइड मोड पे आप नहीं कर सकते हो। आप इस ड्राइड मोड को डिसेबल भी कर सकते हो। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर से ऐसा टच करना है, इसका मतलब आपको एरर मार्क दिखाना है। यहाँ पे इसका ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, मोर सेटिंग। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो होम स्क्रीन मोड, ड्रायर मोड पे है ये। आप सिंपल मोड पे भी रख सकते हो, स्टैंडर्ड मोड पे भी रख सकते हो। देखिए, स्टैंडर्ड मोड है और ये ड्रायर मोड है और ये सिंपल। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। गैस, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा।